भोजपुरी के जुबली स्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। निरहुआ ने लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपनी टीम के साथ बीजेपी पार्टी की सदस्यता हासिल की। दिनेश लाल यादव निरहुआ की एक तस्वीर बड़े ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। तस्वीर में हम देख पा रहे हैं कि तमाम बीजेपी नेताओं के बीच निरहुआ खड़े हुए हैं, उन्हें बैठने की जगह तक नहीं दी गई है। कहा जाता है कि दिनेश लाल यादव भोजपुरी फिल्मों के अमिताभ बच्चन हैं, लेकिन भोजपुरी के अमिताभ को बैठने की जगह तक नहीं दी गई, ये बहुत बुरी बात है। बता दें कि योगी जी से मिलने के बाद दिनेश लाल यादव बीजेपी के कार्यालय पहुंचे हुए थे। बीजेपी कार्यालय पहुंचते ही वहां मौजूद तमाम नेता निरहुआ को मिलकर खुश हो गए, लेकिन उन्हें कुर्सी देना शायद भूल गए। जबकि दिनेश यादव बीजेपी पार्टी के स्टार प्रचारक बन चुके हैं, दिनेश लाल यादव को बीजेपी पार्टी के दफ्तर में कुर्सी ना देना उनके फैंस को पसंद नहीं आ रहा। फैंस दुनिया भर के कमेंट सोशल मीडिया अकाउंट पर कर रहे हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो निरहुआ के लिए तंग कस रहे हैं। नदीम नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने निरहुआ की बीजेपी ऑफिस वाली तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है और व्यंग्य में लिखा है, अच्छा हुआ कि अमिताभ बच्चन ने इस पोस्ट को नहीं देखा, वरना वे जिंदगी में कभी भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। खबर यह है कि दिनेश लाल यादव को यूपी के आजमगढ़ से चुनाव लड़वाया जा सकता है। आजमगढ़ से ही यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। निरहुआ की लोकप्रियता यूपी बिहार में इस कदर है कि वे लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वैसे दिनेश यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के टंडवा गाँव में हुआ है। हमारी ये न्यूज आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक करें और देखते रहें हिंदी राशि।